इस वीडियो में हमारा विषय है कि ए मैन मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। यहाँ पर ए का हिंदी में भावार्थ है एक, यहाँ पर मैन का हिंदी में भावार्थ है पुरुष, जिसे आप हिंदी में नर भी कह सकते हैं, अथवा मानव भी कह सकते हैं, अथवा मनुष्य भी कह सकते हैं। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ए मैन का हिंदी में भावार्थ होता है एक पुरुष, जिसे आप हिंदी में एक नर भी कह सकते हैं, अथवा एक मानव भी कह सकते हैं, अथवा एक मनुष्य भी कह सकते हैं। इन शब्दों के उपयोग का उदाहरण वाक्य है, अजय इज ए मैन, और इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ है कि अजय एक पुरुष हैं। और इसी बात को हिंदी में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अजय एक नर हैं, अथवा अजय एक मनुष्य हैं, अथवा अजय एक मानव हैं।